रामेश्वर उरांव ने राजद को बिहार की पार्टी बताकर कहा कि झारखंड में अब उसका जनाधार नहीं है। इस पर राजद नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रामेश्वर उरांव को इस्तीफा देकर पुनः लोहरदगा से चुनाव लड़ने की चेतावनी दे डाली और राजद नेताओं ने कहा कि उसे औकात देखना है, राजद की हैसियत देखनी है तो वो तुरंत इस्तीफा दे और पुनः लोहरदगा से चुनाव लड़े, उसे औकात पता चल जाएगी। सरकार बनी है, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन, छोटा गठबंधन राजद का भी था, बहुत छोटा था, इसलिए दिया गया था उनको, इसलिए दिया गया था कि छोटा थोड़ा सा, क्योंकि उनका अब उनका रिलेवेंस नहीं रह गया है। राजद वो कहते हैं कि राजद बिहार की पार्टी रह गई है, अब बिहार की पार्टी नहीं है, क्योंकि अब जनाधार उसके पास नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत आज वो मंत्री है। अगर राष्ट्रीय जनता दल होने, एक युवा होने, युवा के अध्यक्ष होने के नाते हम उनको चैलेंज करते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार उनको देखना है तो त्याग पत्र दे, रिजाइनेशन दे और फिर से 2024 के इंतजार नहीं करें, अभी चुनाव लड़े लोहरदगा से। राष्ट्रीय जनता दल उनको औकात बताएगी। इतनी बड़ी पार्टी हो गई है तो अकेले लड़के देख लेना चाहिए, अकेले लड़के देख लेना चाहिए, तभी आपको हैसियत पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड, मैं हूं पप्पू यादव भारती। दरअसल ये मामला बिहार उपचुनाव को लेकर ही चल रहा है। बिहार में हो रहे दो उपचुनाव को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने दोनों सीटों पर राजद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि राजद के नेता और तेजस्वी प्रसाद यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक सीट पर कांग्रेस को समर्थन दिया है तो वहीं दूसरे पर राजद को, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरीके से कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दे डाली है दोनों सीट पर राजद उम्मीदवार को उतारकर। वहीं आज झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद का जनाधार अब झारखंड में नहीं है। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि इस पूरे मामले में हमें नहीं उलझना है, लेकिन इस बयान को लेकर राजद हमलावर हैं और राजद ने उसे चुनौती दे डाली है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष और युवा प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने उससे चुनौती दिया है और कहा है कि राजद का जनाधार देखना है तो वो चुनाव लड़के देख ले, इस्तीफा दे करके वो चुनाव लड़के देख ले, उसे औकात पता चल जाएगा। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।